नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक शर्मा अंग्रेज आपका स्वागत करता हूं द लीगल चैम्बर में। अब दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम प्रतिकूल कब्जा कानून यानी कि एडवर्स पोजेशन लॉ से रिलेटेड एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की आप लोगों के लिए यहां पर लेकर आए हैं, जहां पर एक बड़ा महत्वपूर्ण टॉपिक जो अक्सर लोग मुझसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से लगातार पूछ रहे हैं कि सर, क्या एक व्यक्ति जिसने संपत्ति पर अपना प्रतिकूल कब्जा स्थापित करके रखा है, यानी कि जिसको संपत्ति पर 12 साल से ज्यादा का लंबा समय हो गया है, वो टाइटल सूट उस संपत्ति पर दाखिल करके ये चीज कह सकता है कि मेरा प्रतिकूल कब्जा यहां पर है, क्या ये चीज लीगली वैलिड है? किस प्रोविजन के तहत, किस जजमेंट के तहत ये चीज लीगली मेंटेनेबल है? ये चीज आप हमें बता दीजिए। अब दोस्तों, ये बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आजकल लोगों के बीच में आ रहा है कि प्रतिकूल कब्जा करने के बाद क्या टाइटल सूट भी डाला जा सकता है, और ये चीज मैं आज की वीडियो में आपको विद रेलिवेंट जजमेंट, विद रेलिवेंट प्रोविजन और इसकी हिस्ट्री क्या थी, ये सारी चीज आपको क्लियर करने वाला हूं, ताकि ये वीडियो देखने के बाद इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मन में कोई भी परेशानी ना रह जाए। अब दोस्तों, अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगती है, आप लोगों को हमारी तरफ से किए गए एफर्ट्स अच्छे लगते हैं, तो मेरा आप लोगों से अनुरोध है वीडियो को आप लाइक जरूर करें और साथ ही साथ अपना वैल्यूएबल कमेंट कमेंट सेक्शन में आप जरूर लिखिए। तो चलिए दोस्तों, अब आज की इस वीडियो को हम ज्यादा लंबा ना करते हुए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए दोस्तों, सबसे पहले वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को क्लियर कर दिया जाए, अगर आप लोगों की कोई भी लीगल समस्या है, आप लोग मेरे थ्रू पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं, आप किसी केस से रिलेटेड मेरे से डिस्कशन करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को एक नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन कर सकते हैं। अब दोस्तों, हम बात करते हैं एडवर्स पोजेशन लॉ यानी कि प्रतिकूल कब्जा कानून। देखिए, इस लॉ को समझने के लिए आपको हमारे लिमिटेशन एक्ट के स्केड्यूल 1 आर्टिकल 65 पर नजर डालनी पड़ेगी, साथ ही साथ सेक्शन 27 ऑफ लिमिटेशन एक्ट भी इसी से रिलेटेड बात करता है। देखिए, सेक्शन 27 कहता है कि अगर कोई संपत्ति का रियल ओनर है और उसकी संपत्ति पर किसी ने पोजेशन कर लिया है, तो जो लिमिटेशन टाइम के अंदर डिस्क्राइब टाइम है, उस टाइम सीमा के अंदर संपत्ति के असल मालिक को लीगल एक्शन लेना पड़ेगा, ताकि उस कब्जाधारी को संपत्ति से बाहर किया जा सके। अगर एक बार यह समय सीमा निकल जाती है, तो उसके बाद संपत्ति का रियल ओनर अपनी प्रॉपर्टी को वापस पाने के लिए कोई भी लीगल एक्शन नहीं ले सकता। और वो समय सीमा कितनी होगी? आर्टिकल 65 स्केड्यूल 1 लिमिटेशन एक्ट उसको 12 साल की समय सीमा निर्धारित करता है। वही अगर ये कोई गवर्नमेंट लैंड है, तो आर्टिकल 112 लिमिटेशन एक्ट के तहत वहां पर समय सीमा बढ़कर 30 सालों की हो जाती है। इसी को दोस्तों एडवर्स पोजेशन लॉ यानी कि प्रतिकूल कब्जा कानून कहा जाता है। अब दोस्तों, अब मैं इसके बेसिक सी हिस्ट्री आपको क्लियर कर दूं, जो आज की वीडियो से हमारी रिलेटेड है। देखिए, पहले क्या होता था दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति जिसका संपत्ति पर कब्जा होता था, उसको अगर संपत्ति का असल मालिक संपत्ति से बाहर करना चाहता था, तो कोर्ट में एक डिक्लेरेशन सूट फॉर रिकवरी ऑफ पोजेशन एंड परपेचुअल इंजंक्शन, ये केस वहां पर फाइल करता था, ताकि उसकी संपत्ति से कब्जाधारी को बाहर किया जा सके। अब यहां पर जब कब्जाधारी को ये सामने बात आती थी कि उसके ऊपर केस डाला गया है, तो वो एक एडवोकेट के माध्यम से ऑर्डर 7 रूल 11 सब क्लोज डी सीपीसी के तहत एक एप्लीकेशन फाइल करता था, जहां पर यह चीज मेंशन की जाती थी कि जो संपत्ति का रियल ओनर है वो लिमिटेशन टाइम को बाढ़ कर चुका है, अब उसके पास यहां पर रेमेडी नहीं बची है, अब वो इस प्रॉपर्टी को रिकवर नहीं कर सकता। इसको दोस्तों 7-11 की एप्लीकेशन भी कहते हैं, जहां पर सीधा प्लेंट को रिजेक्ट कराया जाता है। अब दोस्तों, इसका क्लोज डी लिमिटेशन टाइम की बात करता है, जो आर्टिकल 65 में 12 सालों की समय सीमा निर्धारित की गई है। अब दोस्तों, इसी चीज से रिलेटेड कुछ बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की। एक बार मैं डिस्प्ले पर दिखाकर आपको वो कंसेप्ट क्लियर कर दूं, उसके बाद जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट है लेटेस्ट जो मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूं 2022 की, वो चीज मैं आपको वहां पर क्लियर करूंगा। एक बार डिस्प्ले पर आप ध्यान दीजिएगा दोस्तों, जजमेंट का नाम था गुरुद्वारा साहेब वर्सेस ग्राम पंचायत विलेज सिरथला, इसी प्रकार से स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड मंदिर श्री लक्ष्मी सिद्ध महाराज
एंड धर्मपाल डेड थ्रू लीगल रिप्रेजेंटेटिव वर्सेस पंजाब वक्फ बोर्ड, ये तीन जजमेंट ऐसी थी। इसके अलावा स्टेट ऑफ उत्तराखंड एंड धर्मपाल की भी एक जजमेंट थी जहां पर इसी चीज को डिस्कस किया था कि क्या यहां पर जिसका प्रतिकूल कब्जा है वो आगे से जाकर टाइटल सूट भी डाल सकता है। अब देखिए यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यही कहा था, ऑनरेबल एपेक्स कोर्ट होल्डिंग दैट सूट कैन नॉट बी फाइल्ड बाय प्लेंटिफ बेस्ड ऑन एडवर्स पोजेशन, यानी कि अगर किसी ने प्रतिकूल कब्जा स्थापित करके रखा है तो वो आगे से जाकर टाइटल सूट वहां पर नहीं कर सकता। ये चीज साफ तरीके से ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने निर्धारित करी थी। अगर किसी को कोर्ट में केस फाइल करना है तो पहले उसको इंतजार करना पड़ेगा कि संपत्ति का रियल ओनर आए, उसको बाहर करने के लिए कोई कोर्ट में केस डाले, तब वो उसको डिफेंस के तौर पर एडवर्स पोजेशन का केस फाइल कर सकता है। यानी कि एडवर्स पोजेशन का केस केवल शील्ड की तरह इस्तेमाल किया जाएगा, अपने बचाव की तरह इस्तेमाल किया जाएगा। ये चार रेलिवेंट जजमेंट थी जो मैंने अभी आपको क्लियर करी, वहां पर यह चीज साफ साफ तरीके से निर्धारित कर दी गई थी दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, इन सभी जजमेंट आने के बाद साल 2020 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट पास की जहां पर यह लॉ चेंज हो गया। अब देखिएगा, सबसे पहले केस टाइटल आपको दिखाकर समझा दूं क्योंकि ये बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट है, आज के समय में आप लोगों के लिए ये रेफरेंस के तौर पर भी यूज की जा सकती है। देखिएगा डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल दिखाई दे रहा होगा, केस टाइटल है रविंदर कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर, 31 जुलाई साल 2020 की ये जजमेंट है। इसका सिविल अपील नंबर है 7764 और 2014। अब अगर आप मेरे चैनल से रेगुलरली कनेक्टेड है तो इस जजमेंट को मैंने पहले ही आप लोगों को क्लियर करके रखा है। यहां पर यही चीज क्लियर की गई थी कि एडवर्स पोजेशन को अब शील्ड की तरह नहीं बल्कि स्वॉर्ड की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है, यानी कि एक व्यक्ति अपना बचाव करने के लिए साथ ही साथ 12 साल पूरे हो जाने के बाद संपत्ति के रियल मालिक के अगेंस्ट में डिक्लेरेशन के तौर पर भी केस फाइल करके अपना प्रतिकूल कब्जा स्थापित करके मालिकाना हक वहां पर पा सकता है। यह चीज इस रेलिवेंट जजमेंट में पास की गई जिसके बाद प्रतिकूल कब्जा धारक के जो हौसले थे वो और ज्यादा बुलंद होने लगे। अब उनको क्या करना था, केवल 12 साल कंप्लीट करने थे और सीधे संपत्ति के असल मालिक के खिलाफ केस फाइल कर देना था। अब दोस्तों इसी टॉपिक से रिलेटेड एक बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट आई थी साल 2022 में, दर्शना वाली जजमेंट। मैंने अपने चैनल पर पहले भी इसको डिस्कस किया हुआ है बट डीपली केस के फैक्ट्स और सर्कमस्टांसेस मैं आज आप लोगों को क्लियर करके दे रहा हूं। सबसे पहले डिस्प्ले पर आप केस टाइटल देखेगा, उसके बाद केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड बताऊंगा, आखिर में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वहां पर क्या क्लैरिफिकेशन दी वो चीज मैं आपको यहां पर क्लियर करूंगा। अब देखिएगा दोस्तों, डिस्प्ले पर आपको केस टाइटल साफ साफ दिखाई दे रहा होगा। केस टाइटल है दर्शना कौर भाटिया वर्सेस रमेश गांधी एंड अनदर, इसका सिविल अपील नंबर है 1701-1702 of 2022। डेट ऑफ जजमेंट है 28 फरवरी साल 2022। अब यहां पर यही चीज निर्धारित की गई थी कि प्रतिकूल कब्जा स्थापित करने के बाद टाइटल सूट भी एक कब्जाधारी डाल सकता है संपत्ति के असल मालिक के खिलाफ। अब सबसे पहले केस के फैक्ट्स और बैकग्राउंड में आपको क्लियर कर दूं, उसके बाद ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की ऑब्जर्वेशन भी आपको क्लियर करूंगा दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, प्रेजेंट केस के अंदर एक कब्जाधारी ने संपत्ति पर 12 साल से ज्यादा लंबे समय तक कब्जा किया, उसके बाद उसने कोर्ट में एक सूट दाखिल किया, प्लेंट दाखिल की, जहां पर वो सेक्शन 34 स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट के तहत एक डिक्लेरेशन ऑफ टाइटल सूट दाखिल करता है जिसके अंदर वो यही डिमांड करता है कि एज पर आर्टिकल 65 स्केड्यूल 1 लिमिटेशन एक्ट मेरा संपत्ति पर मालिकाना हक बनना चाहिए, इसीलिए मैंने टाइटल सूट दाखिल किया है ताकि संपत्ति का टाइटल मेरे फेवर में डिक्री कर दिया जाए। अब सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने डिफेंडेंट ने यहां पर एप्लीकेशन लगाई 7/11 के अंदर कि इस तरह के सूट कोर्ट में मेंटेनेबल नहीं होने चाहिए क्योंकि लॉ भी इस तरीके की केसेस को एप्लीकेबल नहीं मानता। अब सबसे पहले ट्रायल कोर्ट ने इस सूट को ही डिसमिस कर दिया, उसके बाद जो प्लेंटिफ था संपत्ति का कब्जाधारी था वो आगे ऑनरेबल हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाता है। ऑनरेबल हाई कोर्ट भी वहां पर यही कहता है कि जो कब्जाधारी है वो आगे से टाइटल सूट नहीं दाखिल कर सकता संपत्ति के असल मालिक के खिलाफ। नाउ हाई कोर्ट ने भी कब्जाधारी के खिलाफ ही फैसला दिया। अब ये मैटर आगे चलकर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने पहुंचता है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी महत्वपूर्ण जजमेंट पास की है, बड़ी ध्यान से आप लोगों को इस जजमेंट को समझना होगा। देखिए सबसे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि साल 2020 में रविंदर कौर गरेवाल वर्सेस मंजीत कौर,
इस जजमेंट को पास किया गया था जो मैंने अभी आपके साथ डिस्कस भी की ताकि आपको 1% भी कंफ्यूजन ना रहे। वहां पर यही कहा कि प्रतिकूल कब्जा करने वाला अब स्वॉर्ड की तरह नहीं बल्कि शील्ड और स्वॉर्ड दोनों की तरह उस प्रतिकूल कब्जे का इस्तेमाल कर सकता है, यानी कि केस को बचाने के लिए और आगे से उठ के केस करने के लिए भी केस फाइल कर सकता है। यहां पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि अगर एक संपत्ति का मालिक 12 सालों तक अपनी संपत्ति को वापस पाने के लिए कोई लीगल एक्शन नहीं लेता तो एज पर सेक्शन 27 उसका लिमिटेशन टाइम बार्ड हो जाता है और अब वो अपना अधिकार उस संपत्ति से खो बैठा है। अब अगर इसी बीच जो संपत्ति का असल मालिक है वो बिना कोर्ट जाए फोर्सफुली कब्जाधारी को बाहर करना चाहेगा तो आर्टिकल 64 कब्जाधारी को पोजेशनरी राइट दिलवाएगा। पोजेशनरी राइट मतलब जिस दिन बलपूर्वक संपत्ति के मालिक ने कब्जाधारी को बाहर किया है उस दिन से लेकर 12 सालों के भीतर कब्जाधारी को एक केस डालना पड़ेगा कि मेरा इस संपत्ति पर इतने लंबे समय से पोजेशन है, मुझे बलपूर्वक बाहर किया गया और आर्टिकल 64 12 सालों के अंदर केस फाइल करने का अधिकार करता है और आर्टिकल 65 के तहत संपत्ति के रियल ओनर का अधिकार खत्म हो चुका है तो मुझे इसका मालिकाना हक दिलवाया जाए। सेक्शन 34 डिक्लेरेशन सूट फॉर पोजेशन और परपेचुअल इंजंक्शन का यहां पर कब्जाधारी केस डाल सकता है। इसके अलावा अगर कोई थर्ड पर्सन आ जाता है जो खुद संपत्ति का मालिक नहीं है वो आकर कब्जाधारी को बाहर करना चाहेगा तो उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को ही फॉलो करना पड़ेगा, एक बेटर टाइटल दिखाना पड़ेगा तभी वो वहां पर कब्जाधारी को बाहर कर सकता है। अगर वो भी बलपूर्वक बाहर करने की कोशिश करेगा तो आर्टिकल 65-64 के तहत कब्जाधारी मालिकाना पा सकता है। हाँ, अगर उसने बलपूर्वक कब्जाधारी को बाहर कर दिया और कब्जाधारी फिर से 12 सालों के अंदर कोई लीगल एक्शन नहीं लेता तो जो नया कब्जाधारी है जिसने पुराने कब्जाधारी को बाहर किया है फिर नया कब्जाधारी अपना एडवर्स पोजेशन वहां पर एस्टेब्लिश कर लेता है। तो ये सारी चीजें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस महत्वपूर्ण जजमेंट में क्लियर की, यानी कि फोर्सफुली भी कब्जाधारी को अब आप बाहर नहीं कर सकते, 12 सालों के भीतर अगर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया तो भी आप कुछ नहीं कर सकते। इस तरीके से अब एक कब्जाधारी आगे से आकर टाइटल सूट दाखिल कर सकता है और संपत्ति पर एडवर्स पोजीशन दिखाते हुए मालिकाना हक पा सकता है। अब दोस्तों ये जजमेंट देखने के बाद आपको बिल्कुल भी निराश नहीं होना क्योंकि कब्जा करना जितना आसान है कोर्ट में उसको केस के थ्रू जीतना उसका मुश्किल है। केवल 12 सालों तक स्टैट्यूटरी पीरियड तक कब्जा करके मालिकाना हक नहीं मिलता, 5 इंग्रेडिएंट्स हैं उसके बावजूद भी कुछ रेलिवेंट जजमेंट्स हैं जिनका ध्यान देना होगा तभी आप कब्जे के तहत मालिक बन पाएंगे। 5 इंपॉर्टेंट चीज जैसे कि स्टैट्यूटरी पीरियड 12 साल, एक्सक्लूसिव पोजेशन अकेले का कब्जा होना चाहिए, होस्टाइल होना चाहिए, संपत्ति के रियल ओनर के अगेंस्ट होना चाहिए, ओपन पोजेशन होना चाहिए, ये कुछ चीजें हैं जो वहां पर एस्टेब्लिश करनी बहुत जरूरी है। इसके अलावा भी कुछ रेलिवेंट जजमेंट्स हैं जो एक संपत्ति के रियल ओनर का फेवर करती है। ये सारी चीज मैं टाइम टू टाइम आप लोगों के लिए इसी तरीके से लाता रहता हूं। तो अगर आप हमारे साथ चैनल पर रेगुलरली जुड़ना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें। अगर दोस्तों आप हमारे थ्रू पर्सनली कंसल्टेशन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को नंबर दिया है, उस नंबर पर आप कॉल करके अपनी कॉल बुक कराकर भी डायरेक्टली हमारे थ्रू कंसल्टेशन करते हैं। इसके अलावा अगर आप इसी प्रकार की इंफॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना पाना चाहते हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा दें।